हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं नाहिर, नाजिया, रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है, सो वीडियो का टाइटल है ह्यूज प्रोटेस्ट अगेंस्ट मुस्लिम्स इन स्पेन, पाकिस्तानीज डीफेम इस्लाम, और इनके चैनल का नेम है इंडियन मीडिया लेटेस्ट। सो आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। हैरान हूँ दिल को रोंगे पीटू में जिगर को, शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान भिखारियों का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। स्पेन के अंदर ना एक्सट्रीम प्रोटेस्ट चल रहा है, वो कहना ये क्रिश्चियन का है स्पेन, मुस्लिम्स का नहीं है, तो मुस्लिम यहाँ से निकलें और यहाँ से चले जाएं। तो उसी तरह का वाकया अब स्पेन में अब एक और जगह पे मुजाहरे हुए हैं मुसलमानों के खिलाफ, और उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए हैं। गुस्ताख के रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन यो बेरी सरतन से जुदा। क्या बात है। Solidarity in Spain against terrorism. Hundreds of Muslims gather just meters away from where the Barcelona terror attack took place to protest against. Kingi Maji, क्यों पाकिस्तान को भिखारिस्तान कहा जा रहा है? इसलिए जो हुक्मरान हैं ऐसे आए हैं, खुद ही लूट के खा गए हैं और हम लोगों को भिखारी बना दिया उन्होंने। और आज भी हम बेगस हैं, खुदा जाने हम चूजस कब बनेंगे। कभी नहीं, कभी नहीं। अब इससे जाहिर ही होता है कि तारीख में महंगे डॉलर से आने वाली महंगाई का सबसे ज्यादा जो बोझ है वो दूसरी और तीसरी नस्ल बर्दाश्त कर रही है। बहुत बढ़िया। पाकिस्तान में जितना कार्टून बना उतना कम, और ये अपने आप को बताते हैं दुनिया के सबसे सच्चे, सबसे अच्छे, सबसे बेहतरीन मुसलमान। बिल्कुल सही बात मेजर साहब, बिल्कुल सही बात। इनको अपने से ज्यादा हिंदुस्तान के मुसलमानों की फिक्र है। इनको ये फिक्र बिल्कुल भी नहीं है कि ये पूरे संसार के अंदर जहाँ भी जाते हैं वहाँ जलील होते हैं, ख्वार होते हैं। इनको दुत्कारा जाता है, इनको फटकारा जाता है, इनको जलील किया जाता है। इनको अपनी कौम को सुधारने की बिल्कुल चिंता नहीं है, इनको चिंता है हिंदुस्तान के मुसलमानों की। देख रहे हैं आप, भारत में तो मुसलमानों के साथ हो रहा है कमर आगा साहब, आप उसकी हिमायत करते हैं, मुखालिफत करते हैं, आप अकलियतों को दबाना। इस गुजरात के कसाब, इस कश्मीर के कसाब ने अपना निसाब बना ली। आप खुद मुस्लिम में कैसे देखते हैं मुसलमानों के साथ वहाँ पे इस तरह का नारवा सलूक बढ़ता जाता है? आपको बतौर मुसलमान तकलीफ होती है और बतौर इंसान तो होनी ही चाहिए। लव जिहाद के नाम पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बनाए गए कानून को जालिमाना करार दिया गया, जिसकी बुनियाद पर मजहबी अकलियतों यानी मुसलमानों को निशाना बनाया गया। और सुने, अक्सर सुना होगा मुसलमान बड़े फख्र से आपको बताते हैं जब कोई मोमिन नोटों से भरा हुआ ब्रीफ केस दे देता है तो कहते हैं देखो ये हमारे इस्लाम की तरबियत ऐसी है, ईमानदार वगैरह, तब अपना इस्लाम घुसा देते हैं। और जब कोई मोमिन गंदी हरकत करता हुआ पकड़ा जाता है तब उस बंदे के कैरेक्टर को नहीं देखते, तब ये नहीं कहते कि भाई इस्लाम इसके कैरेक्टर को बेहतर करने में नाकाम रहा, तब ये नहीं कहते। लेकिन जब किसी का कैरेक्टर ठीक नहीं कहलाता है तो उस पे इस्लाम को क्रेडिट दे देते हैं। तो जारी बात है ये बड़ी फोंडी सी लॉजिक है। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। इनसे बड़ी हिपोक्रेट कौम पूरे संसार में कोई नहीं है। ये मुसलमान जितने मजहबी है ना उतने काम खराब करते, इनके मजहब में खोट है। ये इतने जाहिल के बच्चे हैं कि मतलब पाकिस्तानियों से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। फिर ये कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बर्बाद है, हमारा देश बर्बाद है। नहीं, इकोनॉमी बर्बाद, देश बर्बाद, यहाँ के लोग बर्बाद हैं। हिंदुस्तान के लोगों को क्यों नहीं भिखारी कहा जाता? कान खोल कर सुनो, हाँ अच्छे बच्चे की तरह, क्योंकि वो उनका हुक्मरान अच्छा है ना। तेरा बाप आया, जरा सुनिए कान का पता कौन है? हाँ मोदी। तो कहते हैं कातिल है वो। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बाहर जाते हैं। पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो भीख मांगने के लिए बाहर जा रहे हैं। क्या वजूहत है? सऊदी और दुबई तक हमें कह रहा है कि चलो भाई अपने मुल्क में। वजूहत तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है, लेकिन कुछ पाकिस्तानियों ने इस तरह की मेज खराब कर दी हुई है। क्यों गलत हरकतें करते हैं बाहर जाके? उनका दिमाग खराब है, पागल हो चुके हैं। अच्छा बात नहीं। ना इस मुल्क में आइन है ना कानून है, क्या है? क्या बनाना पब्लिक बना दिया गया, मजाक उड़ाया जा रहा है इस मुल्क का। इसकी आइन, इसके कानून, इसकी अदलियाँ, ये है क्या? ये मुल्क रह गया है। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजीव तलवार मर क्यों नहीं जाता है? लेकिन हमारे पाकिस्तानियों में जो लालच और हमारे पाकिस्तानियों में जो बेईमानी, झूठ फरेब जो है ना बहुत ज्यादा आम हो गया हुआ है।
स्पेन के अंदर ना एक्सटेम प्रोटेस्ट चल रहा है, वो कहना ये क्रिश्चियन का है स्पेन, मुस्लिम्स का नहीं है, तो मुस्लिम यहाँ से निकले और यहाँ से चले जाए जहाँ जहाँ से आए हुए हैं। इवन के पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम कुछ ममालिक है जो के गेट आउट का ट्रेंड चला रहे हैं पाकिस्तानी मोमिन या मुस्लिम्स। क्या वजूहत है कि बाहर के ममालिक में पाकिस्तानियों की इमेज इतनी गंदी जा रही है और वो कह रहे हैं निकलो इधर से? कह रहे पाकिस्तान की इमेज इतनी खराब है जितनी अवाम ने की है, लेकिन अवाम भी बहुत अच्छी है। ये बाहर के मुल्कों वालों की अपनी सोच है, हालांकि पाकिस्तान हर काम में सबसे आगे। आप अच्छा को भी पता है सारी दुनिया में मीन्स के भाई वो अच्छे इलाके लोग हैं, सबको इतनी अच्छी तरह से बैनिश करते हैं, इससे बेहतर तो कोई भी नहीं है। और मुसलमानों को ये कह रहे हैं, आपको पता है कि मुसलमानों की तो अल्लाह ताला ने बुनियाद बनाई हुई है। फिर अल्लाह ताला इन मुसलमानों को हर जगह से क्यों जलील करवा रहा है? अल्लाह ताला क्या तुम्हें जलील करवाने के लिए पैदा किया है तुमको? हाँ भाई हाँ। अल्लाह ताला ने बना के भेजा है ना, तो अल्लाह ताला तुम्हें क्यों जलील करवा रहा है? तुम तो इस ब्रह्मांड की सबसे सर्वश्रेष्ठ कौम होनी चाहिए थी, सबसे ऊपर होने चाहिए थे, क्यों हर मुल्क में जाके भीख मांगते हो कि अल्लाह ताला करवा रहा है? सोचना कभी ठंडे दिमाग से। मुसलमानों के खिलाफ दंगे हो रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ, कोई बुद्धिस्टों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, क्रिश्चियनों के खिलाफ, एथियस्टों के खिलाफ, किसी के खिलाफ नहीं हो रहा पंगा। दुनिया के हर कोने में जहां जहां पे मोमिन जाते हैं वहां पे मोमिनों के खिलाफ, अगेन नॉट नेसेसरली किसी गोरे काले या ब्राउन के खिलाफ, वहां पे बार बार बीच में नारा लगाया जाता है, इस्लाम को घुसाया जाता है और मुसलमानों का वर्ड घुसाया जाता है। क्या वजह कि सिर्फ इनके खिलाफ बोला जाता है? ये मुसलमानों की तो तरबियत बड़ी अच्छी होती है, मुसलमान तो अपने कैरेक्टर से दिखाता है कि हम कितने अच्छे हैं। और दो नंबर मुसलमान ऐसे, हाँ जी, सऊदीया के अंदर भी ये कहा जा रहा है कि जब ये लोग जाते हैं ना उमरा वगैरह के लिए हाँ। तो वहाँ पे तो बांगते हैं, उसके बाद हाँ। जब इमेज इतनी गंदी हो गई तो वहाँ पर जो दुकानदार है ना वो सोना दिखाते हुए इनको डरते हैं कि भाई ये चोरी करके ना चोरी करके रहा, क्योंकि हाँ क्योंकि हम लोगों ने हमारा ईमान नहीं सही, हमारा ईमान मजबूत हो कोई हमें बात ही नहीं करता। समझिए जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान है वो भी वैसे नहीं है जैसे हम है, उनके लिए भी बुरा नहीं कहा? नहीं नहीं, हम बहुत गलत है। हमारे जो बच्चे हैं वो कहते हैं पाकिस्तान में कुछ नहीं, हम बाहर जाए कमाने। ये जो पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं, इनमें जो इतनी इनमें जो जद्दोजहद चल रही है ना, ये उनका भी कसूर नहीं है, कसूर हमारा भी नहीं है, ठीक है। लाइक ये हमारे जो रेपुटेशन और हमारे इन पाकिस्तानी हालात जो गुजर गए हैं ना, जो आवाम देख रहे हैं और जो आने वाला आवाम को नजर आ रहा है, इस बना पे लोग तो बाहर जा रहे हैं, लेकिन जो कुछ लोग मेच्योर होते हैं ना, जिनको पता यार हमने अपनी लाइफ में कुछ करना और कुछ मजबूत हमने अपना बैकग्राउंड कर लेना, लोग समझदार होते हैं वो बाहर जाते हैं अपना कुछ बना लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग इनमें शामिल हो गए हुए हैं जो बाहर जाके कमाते नहीं है, मेहनत नहीं करते, उधर जाके मांगना शुरू कर देना, लाइक किसी को भी बैड मैनर्स जो है ना लोगों में ठूस ठूस के भरे हुए, खास तौर पर हमारे पाकिस्तानी। हाँ मैं खुद भी पाकिस्तानी हूँ, लेकिन इसमें मैं ये नहीं बोलता कि यार हर इंसान बुरा होता है, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों में जो लालच और हमारे पाकिस्तानी में जो बेईमानी झूठ फरेब जो है ना बहुत ज़्यादा आम हो गया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी जाकर बाहर की आवाम के साथ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तानी और हमारे पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। अगर हम इंडिया की तरफ चले जाते ना तो इंडिया में क्यों नहीं होता? हर इंसान आज दुबई में कहीं भी चले जाए पाकिस्तान को जॉब मिलती ही नहीं है। अरे भाई कैसे नहीं मिलती पाकिस्तान में नौकरी? पाकिस्तान में जितनी नौकरी उतनी तो पूरे संसार में कहीं नहीं है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? पाकिस्तान जिहाद की फैक्ट्री चलाने में नंबर वन है। Yes. यहाँ पे जाओ आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, जॉब भी मिलेगी, साथ में बेहतर उम्र बिल्कुल फ्री मिलेगी। इस बिजनेस का पाकिस्तान किंग है, पाकिस्तान के बराबर कोई नहीं है संसार के अंदर, पाकिस्तान की रैंक नंबर वन है। तो मेरे भाई ऐसे मत बोलो कि तुम्हारे पास जॉब नहीं है, बहुत जॉब है, बहुत जॉब है भाई, बेहतर उम्र भी मिलेगी। बस छाती पे पेटी बांध के अल्लाहू अकबर बोलना है। खैर आप लोगों को क्या विचार है इस आसमानी कौम के ऊपर, कमेंट सेक्शन आप ही का है, आप भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी है। हमारे यहाँ डाले उठा के नहीं ले जाते कि डाला आएगा कुछ बोल देंगे तो ले जाएगा, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट करके छोड़ जाएगा। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और स्पेन में मुसलमानों का के खिलाफ जो ह्यूज प्रोटेस्ट हो रहा है और कुछ हुआ ही होगा जैसी सी बात है वहां पर भी, और फिर सारी बात जो है वो आ जाती है इस्लाम के ऊपर, जहाँ जो वहां के क्रिश्चियंस हैं वो ये कह रहे हैं। अच्छा मैं ये समझती हूँ कि जो भी है हर जगह पर हर तरह के लोग होते हैं, ये नहीं है कि अब आप अगर पाकिस्तान में इस तरह के लोग अगर हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया हुआ है। हमने अक्सर इंडिया की भी ऐसी वीडियोस देखी हुई हैं जो कि इंडिया के भी कुछ लोग जो हैं जो कि बाहर जाकर कुछ ऐसी हरकतें, मतलब ऐसी मैं एग्जैक्टली वो नहीं कहूंगी कि गलत किस्म की है औरतों वाली, जो कि साफ यहाँ पर बोला जा रहा था वो वाली नहीं, लेकिन डी फेम वाली कुछ हरकतों की वजह से जो है ना उनका भी जैसे वो कहते हैं कि नाम खराब करते हैं अपने मुल्क का। लेकिन फिर वही बात मैं यहाँ पर कहूंगी कि पाकिस्तानी एक्सपोज ज्यादा जल्दी हो जाते हैं, उसका रीजन भी खुद पाकिस्तानी है, क्योंकि आप जाहिर सी बात है आप अगर
दूसरे मुल्कों में जाके वहां से भीख मांगोगे खुलेआम। मैं तो साफ बोलूंगी, अगर आप ये करोगे IMF से कर्जे लोगे, मतलब पूरे खुद को एक्सपोज करोगे पूरी दुनिया के सामने, तो फिर आप इतना सा भी कोई काम करोगे ना तो आप जल्दी एक्सपोज हो जाओगे। तो ये थोड़ा इनमें ये भी है, ये नहीं है कि सभी पाकिस्तानी जो है वो बुरे हैं या सभी अच्छे नहीं है। फिर वही बात कि एक मछली पूरे जाल को गंदा करती है, तो यही हिसाब है। अगर एक भी आदमी यहाँ का निकल आया, वो एक्सपोज हो गया, वो पकड़ा गया, मीडिया पे आ गया, तो फिर जाहिर सी बात है वो ये नहीं कहलाएगा कि पाकिस्तान का एक बंदा, वो पाकिस्तानी ही कहलाएगा। तो फिर वही बात आ गई कि फिर सारे लोगों का नाम बदनाम होता है। और बाकी जितनी भी इसमें बातें थी गवर्नमेंट को लेकर या जो भी है वो बिल्कुल ठीक है, वो बार बार हमें उसको डिफेंड करने के लिए हमारे पास कोई वर्डिंग है ही नहीं कि हम उसको डिफेंड करें कि नहीं भाई हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी, तो हमारा पाकिस्तान जो है वो तो हवाओं में उड़ा है। और अगर कर्जे की बात करें तो बिल्कुल है ही नहीं, हम तो दूसरों को कर्जा देते हैं। भाई ऐसे करके बोलने का कोई फायदा नहीं है, जो बात है वो सबको ही पता है, वो हमारे डिफेंड करने से ना तो वो खत्म हो जानी है और ना ही जो है उसके ऊपर कोई पानी फिर जाना, ऐसा कुछ भी नहीं। बाकी सारी बातें जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं फिर ये कहूंगी कि अगर स्पेन ऐसा कर रहा है, अगर वहां पर क्रिश्चियन मेजोरिटी है, तो फिर यहाँ पर जो क्रिश्चियंस रह रहे हैं, फिर पाकिस्तानी जो है या मुसलमान जो है वो भी उस पर कर सकते हैं। अगर तो ये रिलीजन की बेस पर हो रहा है तो गलत हो रहा है। वैसे भी अभी देखा जा रहा है कि पाकिस्तानियों को जो है ना मुख्तलिफ कंट्री से निकाला जा रहा है, जैसे उन्होंने सऊदी अरब और UAE की बात की थी, एग्जैक्टली ऐसा ही है, निकाला जा रहा है उनको। फिर वही बात कि उनकी अपनी हरकतों की वजह से निकाला जा रहा है, वो ऐसे काम नहीं करें जिनकी वजह से जो है कुछ ऐसा करते हैं कि जॉब वहां पर 6-6, 7-7 माह उनकी पड़ी होती है और भाग जाते हैं। तो फिर जाहिर सी बात है उनको निकालना ही है ना, इसमें मुल्क का वो नहीं आता कि मुल्क जो है वो सही नहीं है या मुल्क के लोग सही नहीं है, इंसान का अपना करैक्टर भी होता है जिसकी वजह से जो है ना वो ये काम कर रहे हैं। और फिर एक बंदे को उन्होंने देखा, दो को देखा, 3, 4, 5, 10 को देखा, अब जो इतने हजारों वहां पर जॉब कर रहे हैं, फिर जाहिर सी बात है उन 10 बंदों की वजह से वो बाकी सबको भी निकाल देंगे, उनमें उनका कोई कसूर भी नहीं होता। लेकिन फिर वही बात के 10 बंदे जो है वो उन्होंने उनके साथ गलत किया ना, तो वो तो यही समझेंगे कि यार ये भी उन्हीं के मुल्क हैं। जब आप बड़े लेवल पर जाते हो ना, फिर आपका अपना करैक्टर कम देखा जाता है, आपका जो मुल्क है ना वो देखा जाता है कि यार ये फलां मुल्क है, उस मुल्क के इतने लोगों ने ये कांड हमारे साथ कर चुके हैं, तो ये भी यही करेंगे। तो बस और इस वीडियो में इतना कुछ था नहीं, तो यही बोलूंगी। बिल्कुल अच्छा, ये वीडियो देखे ना, ये एक हकीकत है। और फिर वही वाली बात जैसे आपने भी कहा कि हकीकत से जो है वो हम आंखें फेर नहीं सकते, हम जो गलत हमने हर दफा कहा है कि हमारा जो रिएक्शन होता है ना वो बिल्कुल रियलिटी बेस्ड होता है। चाहे अगर हम एक्स मुस्लिम की वीडियो पे रिएक्शन करें या इस टाइप की वीडियो पे रिएक्शन करें ना, तो हम ये नहीं कि बायस्ड होकर कि पाकिस्तान की बात आई है तो हम जो है वो झूठी तारीफ करना शुरू कर दें, नहीं पाकिस्तान में तो ऐसा है नहीं या पाकिस्तानी इस किस्म की हरकतें करते नहीं। जो हकीकत है बेखा से उसके ऊपर से आपको आंखें बंद नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उसका जो है ना वो उसको फेस करना चाहिए कि जो बात है वो सच है। जहां पे जैसे इन्होंने बात की थी ना कि सऊदी और UAE की बात की थी कि वहां से जो है वो बहुत ज्यादा भिखारी पकड़े जाते हैं, ये बिल्कुल सच है। खाली पाकिस्तानी नहीं है, अच्छे बुरे हर लोग जगह पे होते हैं। एशियंस जो है, एशियंस की ज्यादा तादाद जो है ना वो भिखारी वहां पे आपको मिलेंगे, बजाय जो दूसरी कंट्रीज के ना वहां पे एशियंस आपको ज्यादा मिलेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान जो है वो वैसे ही बदनाम है। और जैसे आंटी ने बात की थी कि जिस मुल्क के हुक्मरान जो है वो दूसरे मुल्कों में जा जाके भिखारियों की तरह मांगती हो, तो फिर तो अवाम जो है वो कहते हैं ना, पेरेंट्स अगर ऐसे होंगे तो ला तो बेशक वैसी हो ना हो, लेकिन वो बदनाम लाजमी होती है कि इनके माँ बाप ऐसे हैं। तो अब हमारे हुक्मरान ऐसे हैं तो जारी बताए अवाम जो है वो खाम खामे पीसी जा रही है। बेशक हम लोग भिखारी नहीं है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के एक एक बच्चे के ऊपर पता नहीं कितने कितने करोड़ का जो है वो कर्जा जो है वो चढ़ा हुआ है। तो यही फिर हमारे हुक्मरानों का ये कि उन्होंने जो है वो कर्जे लिए हुए हैं और हर जगह जो है वो अपने मशहूर होते हैं। बेशक अगर वो वैसे ही टूर पे जाएं तो पता चल जाता है अच्छा ये लोग जो है वो कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए हुए हैं। और जहां तक वीजे बंद होने की बात है, मैंने खुद ये रिपोर्ट देखी थी कि UAE वालों ने जो है वो पाकिस्तान के मतलब वीजे बंद कर दिए हुए, किस वजह से, अपनी ये हरकतों की वजह से कि लोग वहां जाके इलीगल तरीके से अगर उनका वीजा एक्सपायर हो जाता है तो वहां जाके छुप जाते हैं या फिर ये भिखारी वाली हरकतें करते हैं। तो इसलिए उन्होंने जो है ना अब डिग्री बेखा से कुछ ऐसा कोई रूल वगैरह रखा हुआ कि अगर आपके पास डिग्री होगी, क्वालिफिकेशन होगी या कोई आपके पास कोई वो कहते हैं ना कोई स्किल होगी तो फिर आपको जो है वो आने देंगे, ऐसे आपको जो है वो अलाउ नहीं है। तो फिर वही बात आ गई कि अपनी हरकतें ठीक करनी चाहिए। अभी रिसेंटली जैसे हमारे इधर लाहौर में भी एक वाकया हुआ था कि वो एक लड़की के, हमारे पास कमेंट भी आया था कि एक लड़की की ड्रेस के ऊपर हलवा लिखा हुआ था और लोगों ने उस बेचारी के साथ इतना मतलब उस पर तशद्दुद किया, उसको इतना मारा पीटा कि जी ये कुरानी आयात जो है वो लिखी हुई है। फिर जो आप इस किस्म की हरकतें करते हो और इसके ऊपर लोगों ने इतनी इतनी ज्यादा मीम्स बनाई हुई हैं,
तो फिर हम खुद इस किस्म की हरकतें करके जो है अपने आप को भी बदनाम करते हैं और अपने सबसे ज्यादा इस्लाम को बदनाम करते हैं। और फिर हम दूसरों को कहते हैं कि यार ये इस्लाम के बारे में बातें कर रहे हैं। पहले हमें यह देखना चाहिए कि यार हम खुद जो है वो मौका उनको फरहम कर रहे हैं इस किस्म की बातें करने का। सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करने की जरूरत है, फिर जो है वो बाकी मुल्कों के ऊपर हम कहें कि जी हाँ जी स्पेन से क्यों निकाला जा रहा है, या हम ये बात करने का हमें कोई हक ही नहीं है कि हम कहें कि जी स्पेन से क्यों निकाला जा रहा है। पहले अपनी हरकतें ठीक करें तो फिर कोई भी मुल्क जो है वो आपको नहीं निकालेगा। सो खैर ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।